तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इस तरह के वीडियो को कैसे शूट कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपने देखा एकदम से गाइस मेरे हाथ में मतलब के आगे क्योंकि सूरज और मैंने उसको ऐसा फेंका तो वो डायरेक्ट चांद बन गया और एकदम बहुत प्यारा था, इसमें इफेक्ट आ गया। तो गाइस जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था और इससे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो को एडिट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VNF। अच्छा जी हाँ गाइस, ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देने का, ठीक है। तो अब इसको एडिट कैसे करना है पता। आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसमें से एक वीडियो का भी एक छोटा सा भी पार्ट अगर मिस कर दोगे तो आपकी जो वीडियो है वो अच्छे से एडिट नहीं होगी, वो थोड़ी बेकार से लगेगी। अच्छा तो अब वो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो का एंटर देखना पड़ेगा। ओके गाइस अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फोन की स्क्रीन पर। सो गाइस सबसे पहले आप अपना VN ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है। तो हम क्योंकि पूरी एडिटिंग हमारे VN ऐप में करने वाले हैं तो हम अपने VN ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस शो होगा, आपको प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है जो नीचे में, फिर यहाँ से गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। फिर जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करोगे आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपको एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, म्यूजिक का, टेक्स्ट का और इमेज वाला। तो आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है इमेज वाला आपको उसके ऊपर में टैप करना है। यहाँ से टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे टैप करना है। ये जो इंपोर्ट वाला है ना, फोटो इंपोर्ट जो भी लिखा है, आपको इसके ऊपर में टैप करना है और यहाँ से गाइस एक सन वाला PNG उसको निकाल लेना। अब इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको निकाल लिया। आप सिंपली आपको इसको स्लाइड करते हुए जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग का, आपको उसके ऊपर में टैप करना है और इसको गाइस आपको स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, आपको इसको स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। कर लिए, अब इसके बाद में आपको सिंपली राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फिर गाइस आपको जो आपका सन का PNG इसको एकदम बड़ा कर लेना ताकि ओरिजिनल सन समान लगे। तो गाइस अब आपको क्या करना है, जो आपको जो सन का PNG है वो आपको वहाँ तक के रखना है जहाँ से आप अपना हाथ को ऐसे ऊपर उठा रहे हो, ठीक है। तो मैं अपना PNG को वहाँ पे बराबर से कर लेता हूँ सेट। तो यहाँ पे मेरा आ गया PNG। अब यहाँ पे आपको की वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे हर एक जगह पे आपको की देते जाने, मतलब कि आप जैसे जैसे ये की वाले ऑप्शन पे टैप करोगे और सन का PNG नीचे करते जाओगे तो वो डायरेक्टली मतलब वीडियो के अकॉर्डिंग वो नीचे होते जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ नीचे कर लिया। थोड़ा सा और आगे जाता हूँ मैं, और भी है क्या थोड़ा सा और आगे आया, ये मेरा हाथ और थोड़ा नीचे हुआ तो मैं PNG को और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ऐसे ही करते करते हमें और थोड़ा नीचे जाना है, तो मैंने इसको और थोड़ा सा नीचे ले लिया। फिर थोड़ा सा स्लाइड करूँगा, फिर यहाँ पे और नीचे तो इसको और नीचे ला लिया। फिर थोड़ा सा और स्लाइड करूँगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे तो इसको और नीचे ला लिया, ठीक है। हमारा जो हाथ है एकदम नीचे आ गया। अब हमको थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए जाना, मतलब कि अकॉर्डिंग टू हैंड। तो अब हमारा जो हैंड है वो थोड़ा सा आगे आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते, थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, और तो अब यहाँ तक के आ गए। हाँ थोड़ा सा और उसको ऊपर उठा लेता हूँ लाइक दिस, एंड अब इसको थोड़ा सा और अब हम इसको फ्रेम के बाहर तक के ला लेते कुछ ऐसे। हाँ तो अब हमारा पूरा प्रोसेस हो गया डन, जो था हमारा सन का प्रोसेस, ठीक है। अब हमारा जितना भी बचा हुआ पार्ट उसको हम कर लेते हैं ट्रिम। ट्रिम करने के लिए हमको सिंपली इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब उसको शॉर्ट करने के लिए हम इसके बैक वाले पार्ट को देख लेते हैं। हाँ जो आखिरी का पार्ट है उसको ले लेते हैं, ये जो मिल गया। अब यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे, तो मैं इसको कम करते जाता हूँ। यहाँ पे ला के इसको जितना मेरे को मैक्सिमम रखना है मैं उतना रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर से इमेज वाले, और यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको ये मून का PNG ला लेना है, ठीक है। जैसे आपको सूरज बाहर जा रहा है वैसे मून आपका आते हुए दिखने को ना। यहाँ पे भी गाइस हम सिंपली की वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से जो हमारा मून है इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे लेते आएंगे, थोड़ा सा और लाएंगे, फिर उसको यहाँ पर ला के छोड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस हमारा जो PNG है मतलब जितना उसका लेंथ है, मैं उतना ही वीडियो का भी लेंथ रख रहा हूँ, वीडियो का लेंथ से बाकी का मैं पूरा कर लेता हूँ ट्रिम। तो गाइस हमारा जो मून का PNG है वो भी यहाँ पे आ गया। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस फिल्टर वाला, आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फिर बाजू में आप चले जाओ जिसमें वहाँ लिखा है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पर आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल जो इसका एक्सपोजर है उसको माइनस में कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को गाइस आपको एकदम फुल कर देना है 100 कुछ, ब्राइटनेस को आपको कम कर देना ताकि रात वाला इफेक्ट आए। सैचुरेशन है, सैचुरेशन को भी कर दो कम, और उसके बाद में जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को आप कर दो माइनस में क्योंकि रात का टाइम देखने को ना, ठीक है। शार्पनेस वाला जो हमारा ऑप्शन है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ह्यू वाले ऑप्शन को भी चेंज नहीं करेंगे, हाईलाइट जो है उसको पूरा बढ़ा देंगे। तो गाइस हमारा जो ये काम है वो हो गया पूरा डन। अब आपको जो शेडोज है उसको आप चाहो बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बढ़ा सकते, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू योर वीडियो आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो गाइस हमारा जो वीडियो है
वो पूरा बन के हो चुका है रेडी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारा सूरज था, वो सूरज गया और यहाँ पे आ गया चांद। अब आपको सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा डिजॉल्व वाला, आपको डिजॉल्व वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर में टैप करोगे आपका जो वीडियो है वो बन के हो गया पूरा पूरा रेडी। आपको जस्ट एक बार इसको प्ले करके देख लेना है कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फिर एक्सपोर्ट ओरिजिनली टैप करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है सेव टू द गैलरी। सो गाइस आई होप आप समझ गए हैं किस तरह से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो लाइक दिस। पहले इस वीडियो का अपन लाइक एम रख लेते हैं, इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 10 लाइक, तो इस टारगेट को प्लीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देना। तो आपको अगर ये वीडियो से इतना सा भी कुछ सीखने को मिले होंगे और आपको ये वीडियो इतनी सी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार एडिटिंग वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।